आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तो देश का बहुत बड़ा एक घटना है और खास करके हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अपने विचार रखे, क्योंकि सिर्फ होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है और जो चीज़ें प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो सूचनाएं उनको मिलती है, वो सारी सूचना होम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में हैं। और ऐसी कौन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं, कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं, अरे भाई आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे, विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, बट ही इज गोइंग आउटसाइड एंड टेलिंग, जस्ट ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑल दीज थिंग्स टू मेक इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इलेक्शन स्पीचेस ही इज मेकिंग, ही इज डूइंग, बट ही इज नॉट रेडी टू डू वन स्मॉल स्टेटमेंट इन द हाउस ऑन मणिपुर इश्यू, वेयर मोर देन 200 पीपल हैव डाइड, 5,000 पीपल आर इंज्योर्ड, नियरली 60,000 पीपल आर वेकेटेड देयर हाउसेस, मोर देन मेनी हाउसेस डिस्ट्रॉयड, सब कुछ वहाँ पर हुआ है। ये होते हुए भी वहाँ पर ये मोदी जी आकर बात करना नहीं चाहते और हमको बार बार ये कहते हैं, सरकार के ओर से भी शायद मैं आज चेयरमैन साहब से हम विनंती किए, भाई 267 और 176 में बहुत फर्क है, अंतर है। 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन 267 में लंबी चर्चा हो सकती है, हर एक पार्टी के लोग बात कर सकते हैं और 2.5 घंटे अगर पार्लियामेंट में आप समय तय किए तो एक एक पार्टी, जो मेजर पार्टी है उसको 15 मिनट मिलेगा, बाकी के लोगों को 10 मिनट मिलेगा और जो छोटी पार्टियां एक एक या 2 मिनट मिलेगी। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग, एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर कार घर जल रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहाँ थे, अरे भाई 3 दिन वहाँ अगर थे मणिपुर में,
फिर ये समस्या को सुलझाए क्यों नहीं, अभी बढ़ रहा है क्यों, ये हमारा उनको पूछना है और उसका उत्तर क्या मिलता है हमको वो भी देखना है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा मीडिया में ये कन्फ्यूजन कर रहे कि वो तो चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी तो तैयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 65 लोग MPs 267 पे नोटिस दिए, इससे बढ़ के क्या होना है। इतिहास में इतना बड़े संख्या में जो नोटिस दिए हैं मैं समझता हूँ ये पहली बार है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बुलडोजर लगा रहे हैं और हमेशा यही बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको पीछे ढकलने वाले वही लोग हैं। तो इसीलिए आज हम जो चीज़ें वहाँ पर रखना चाहते थे तो चंद चीज़ें रख नहीं पाए, और वो हमेशा ये कहते 267 कभी भी चर्चा में नहीं आया सदन में, वो चेयरमैन साहब को भी वही बताया गया उन्होंने, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। 267 में 7 occasions उन्होंने इस सदन में क्वेश्चन आवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके 7 समय दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन आवर स्टॉप करके 10 occasion पे उन्होंने इस पे चर्चा ऐसे विषय पे 267 पे चर्चा करने के लिए समय दिया गया है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त के भी बहुत है, ये तो आने के बाद डेमोक्रेसी में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज़्यादा विश्वास है। देखिए मनमोहन सिंह जी जब थे तब इन लोगों ने एक यही शायद नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक समय आया था, उसमें उन्होंने खासकर वेंकैया नायडू ने एक क्वेश्चन पूछा था उस वक्त अगस्त 17, 2012 को। क्या है क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर वॉज सस्पेंडेड बाय द चेयरमैन टू टेक अप द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ अटैक्स ऑन माइग्रेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द लाइट ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर्स। ये वेंकैया नायडू एक उठाए थे सवाल, तो सभी क्वेश्चन आवर क्वेश्चन सस्पेंड करो, बिजनेस सस्पेंड करो, इसको इम्पोर्टेंस देकर आप चर्चा शुरू करो। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस चर्चा में पार्टिसिपेट किए और उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है, समय नहीं है और आपको भी उतना समय नहीं है जिसको ग्रहण कर। इतने हमने जो प्रेसिडेंट हैं या पीछे के जो नेताओं ने कहा है, वाजपेयी जी भी कहे हैं, और वाजपेयी खुद ही ये कहते थे कि क्वेश्चन और सस्पेंड करके इसको चांस देना चाहिए बोलने के लिए। अरे जब नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग, उनके नेता लोग भी इसी सवाल पे कई बार मुद्दे उठाकर वो प्रश्न क्वेश्चन आवर और बाकी चीज़ें सस्पेंड करके लिए हैं, तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और दूसरी चीज़, एक हमारे सीनियर वो ये राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन में, एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा।
क्या डेमोक्रेसी है, ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूँगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलर शाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे भी थोड़ा अनुभव है। हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं, और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं नो माय, और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाज़त तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता, उससे हमसे क्या नुकसान है। मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नज़र से देखते हैं, ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं, तो कहाँ प्राथमिकता, सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया। तो ऐसी चीजें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है, डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में, और जो कुछ भी हमारे ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं करने दो, हम तो लोक हित में काम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के लिए और संविधान के बचाव के लिए जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। नमस्कार।